अपने देश में नफरत की राजनीति अपनी बुलंदी पर है। अभी एक दिन पहले हमारे कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में एक ऐसा बयान दिया, जज्बात जुनून उभारने वाला, और उन्होंने कहा कि घुसपैठिया मुसलमान, अगर आपको एक थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ मारो। शंकर भगवान त्रिशूल लेते हैं, दुर्गा तलवार लेती हैं, आप भी इनकी पूजा करो। इसमें दो खोट हैं उनके इस सोच में। पहला खोट तो ये कि ये मुसलमानों को हिंदुओं से अलग मानते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान सिर्फ दो अलग अलग लेबल लगे हैं ऊपरी कम्युनिटीज़ के हिसाब से, इंसान तो दोनों एक हैं। और ये हमारे हिंदुस्तान के हिंदू युवकों को ये जुनून भर रहे हैं, जहर भर रहे हैं कि तुम उनको दुश्मन मानो, उनके एक थप्पड़ का मुकाबला 100 थप्पड़ों से दो। अगर वो ये कहते कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर जालिम थप्पड़ मारते हैं तो उसका मुकाबला करो, तो बात समझ में आती। इनके ये बयान में हिंदुस्तान को बांटने का, इंसान को इंसान से जुदा करने का जहर है, ये देशद्रोह है। मैंने एक दफ़ा जब अटाली में दंगा हुआ तब उस वक्त कहा था, वहाँ पे कुछ लोग मुझे मिल गए और उन्होंने कुछ बात की, तो मैंने उनको कहा था कि 5 अहम सच्चाइयों पे अमल करो। उसमें एक सच्चाई ये थी कि किसी आदमी या समुदाय के प्रति नफरत आपको एकजुट तो कर सकती है, इससे आप कमज़ोरों को कुचल सकते हैं, लेकिन इससे आपकी आत्मा मिट्टी में मिलेगी। आप इस पाप से आज़ाद हों, इससे शोषण बढ़ता है। हमारे सामने इस वक्त जब परमाणु बम, बड़ी बड़ी तोपें दुनिया में मौजूद हैं, आवाम के पास ये तमंचों की ताकत, तलवारों की ताकत बेमानी है। हमें लड़ना किससे है? आप गरीब को गरीब के खिलाफ लड़वाने के लिए तलवार और बंदूक का इस्तेमाल करने की हिमायत कर रहे हो, जबकि हमारे सामने चुनौती तो इस धरती पर परमाणु और तोपों से सज्जित हुकूमतों के शोषण और उनके दमन से निजात पाने की है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी हुकूमत इस प्रकार के अपने मंत्रियों पर काबू रखे, इनको सही ठिकाना दिखाए कि आपकी जगह ऐसे वक्तव्यों की कोई जगह नहीं इस मुल्क में, और राजनीति में भी ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।